गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी स्टैंडर्ड 4 ड्राइंग। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? ड्राइंग। सो फर्स्ट हमने क्या देखा था? कैलीग्राफी। सेकंड एक स्टूडेंट और एक जो बॉय है वो बैट लेके खड़ा हुआ है वो था। और अब देखते हैं थर्ड, क्या नाम है इसका? शेप्स लाइंस स्केचेस। क्या? शेप्स लाइंस स्केचेस। जो शेप है वो, लाइंस है वो और उसका स्केच। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक के ऊपर से हम ये सब पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ट्रायंगल अच्छे से परफेक्टली ड्रॉ करना आता है तो हम उसके ऊपर से ये तीन पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन सा पिक्चर है? टेबल लैम्प, चोकर कैप, आइसक्रीम कॉन। समझे? सो ट्रायंगल जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखा दियो। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने सब जो पिक्चर्स हैं वो पहले से ड्रॉ किए हुए हैं। तो देखते हैं कि ट्रायंगल, देखो ये जो ट्रायंगल है उसके तीनों जो साइड है वो तीनों साइड कैसी होती है? सेम होती है। तो हमें तीनों साइड का एक जैसा ही नाप लेना है। एक जैसा नाप ले ले, उसके बाद पहले हम ये लाइन करेंगे, फिर ये वाली और फिर ये वाली। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ट्रायंगल में तीनों की तीनों लाइन का जो नाप है वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा। नेक्स्ट टेबल लैम्प। तो टेबल लैम्प आपको ड्रॉ करना है तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और हाँ, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो वो नाप करने के बाद ही ड्रॉ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाप बिना ड्रॉ करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो पिक्चर है वो परफेक्टली ड्रॉ नहीं होगा। अब ये जो है इसका नाप लेना है, फिर इससे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कम, मतलब एक जैसा दोनों साइड से कम करके ये ऊपर की लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से ये और ये लाइन जो सीधी लाइन है वो क्या करना है? स्केल ऐसे रख के डायरेक्टली सीधे ऊपर तक लाइन ले लेनी है और ये लाइन भी। फिर वो जहाँ पे भी टच हो रहा है वो आपको नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है? ये बीच की जो लाइन है वो कहाँ पे आती है वो ड्रॉ हो जाए, उसके बाद आएगा ये। तो ये तो आप ऐसे ही अपने मन के मुताबिक ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये और ये स्टैंड, समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट जोकर्स कैप। तो जोकर्स कैप जो है जैसे ट्रायंगल मैंने आपको बताया वैसे ट्रायंगल करना है। फिर ये लाइन कर देनी है तीनों, फिर ये राउंड कर देना है सर्कल, और फिर यहाँ से ये ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे बना देना है। नेक्स्ट आइसक्रीम कोन। अब आइसक्रीम कोन है उसमें आप देख सकते हो आइसक्रीम कोन कैसा होता है कि ये जो उसकी दोनों साइड है वो लंबी होती है और ये जो है वो शॉर्ट होती है। तो आपको क्या करना है? ये दोनों साइड का नाप सेम लेना है और ये जो है उसका उसे कम लेना है। तो ऐसे लेके फिर ये तीनों लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पे ये आइसक्रीम की शेप दे के ये शेप उसमें दे देनी है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें ऐसी शेप देनी है कि आपके बुक में जैसे दिया, आप जो अपने मन के मुताबिक जो भी चाहते हो वो शेप दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। सर्कल जो आगे है वही सेम यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो सर्कल जो है, सर्कल में से सब चीज़ें ड्रॉ हो सकती है। पहले हमने क्या किया? सर्कल। नेक्स्ट क्या है? सन। तो सन को ड्रॉ करने के लिए सर्कल सेम बनाना है और फिर ये जो लाइन्स है वो बना देनी है ताकि हमारा सन रेडी हो जाएगा। फिर वाटर पॉट। तो वाटर पॉट में पहले पूरा सर्कल बना देना है। पूरा सर्कल हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना है उसका। क्या? यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना है। उसके बाद ये जो है ये पार्ट बना देना है और यहाँ पे ये ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में पहले पूरा सर्कल किया। सर्कल करने के बाद ये जो लाइन्स हैं वो आप कहीं पे भी अपने तरीके से कर सकते हो। तो वो कर दिया। फिर कार्टव्हील। तो ये पहले ये बड़ा वाला राउंड किया,
फिर उसके अंदर छोटा वाला, और फिर ये दोनों छोटे राउंड करने के बाद ये जो है वो स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो मैंने आपको जो भी शेप्स दिखाए हैं, कौन कौन सा, ट्रायंगल और सर्कल, वो दोनों जो शेप है उसको लेके आपको अपने रफ बुक में प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।